कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन में क्या स्थिति है, चारसी सीआरसी कॉयल में क्या स्थिति है, सरिया बाजारों में आप देख रहे हैं कि धुआंधार बाजारों में तेजी जारी है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो कल 46,300 रुपये बाजार, पूरे दिन भर बाजार फ्लैट ही रहा, बाजारों में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में नहीं देखा गया। एमएस स्क्रैप की अगर बात करेंगे तो 35,800 रुपए भाव देखा गया। लगातार आप देख रहे हैं जो आप फॉरेन के बाजारों में, चाइना के बाजारों में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के भाव में तेजी देखी जा रही है, उसका इंपैक्ट आपको यहां पर आपने देखा, सरिया रिवर के बाजारों में आपको साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट क्या रहा। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपये रहा। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,700 रुपये हो गया, इंपोर्टेड का भाव, कास्ट आयरन का भाव 41,700 रुपये। एचआरसी सीआरसी कॉयल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। एचआरसी सीआरसी कॉयल में अगर बात करेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉयल का भाव 56,500 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 61,300 रुपये रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का भाव 56,000 रुपये, सीआरसी कॉयल का भाव 61,500 रुपये। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 54,400 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 8,800 रुपए देखा गया। चलिए अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का अगर बात करेंगे तो रायपुर एचबी वायर में जबरदस्त बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर एचबी वायर का भाव 49,000 रुपए हो गया, जीआई वायर का भाव 53,100 रुपए। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो गोविंदगढ़ पाइप का भाव 50,700 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 47,800 रुपए रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको 9:30 लाइव करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे सरिया के बाजारों में क्या स्थिति है। जैसे कि आप बीते दिनों से आप देख रहे हैं कि सरिया के बाजारों में एक जबरदस्त तेजी बाजारों में देखी जा रही है। जो रॉ मटेरियल के दाम, जिसके अंतर्गत पीलट, स्पॉन्ज, आयरन ओर के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर आप देख रहे हैं जो फिनिश प्रोडक्ट में देखने के लिए मिल रहा है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर टीएमटी की बात करें तो 50,700 रुपये भाव हो गया, जो निचले स्तर में आप देखेंगे जो 49,000 रुपये तक चला गया था, लगभग 1700 रुपये की बढ़त बाजारों में देखी गई। दुर्गापुर का भाव 45,500 रुपये रहा, इंदौर का भाव 48,500 रुपये, रायपुर का भाव 46,000 रुपये, जयपुर का भाव 50,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव बाजार 48,200 रुपए, भावनगर का बाजार 50,300 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 50,200 रुपए रहा, जबकि जलना टीएमटी 49,800 रुपए, पटना टीएमटी 47,000 रुपए रहा। सभी टीएमटी में जोरदार तेजी के साथ कामकाज हुआ। मेजर इंपैक्ट आप देखेंगे दुर्गापुर रायपुर में लगभग निचले स्तर से 2,000 रुपए की बढ़त बाजारों में आती हुई दिखाई दी है। जयपुर का भाव भी जबरदस्त बढ़त के साथ सरिया में कामकाज रहा, जबकि गाजियाबाद सरिया में भी एक अच्छी बढ़त बाजारों में देखी गई। जलना सरिया की अगर बात करी जाएगी तो जलना सरिया में बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुआ, देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक जबरदस्त बढ़त बाजारों में देखी जा रही है। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 45,900 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 46,700 रुपए का है। पुराने लोहे की अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 35,300 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 36,300 रुपए का। ओवरऑल आउटलुक में आप लोहे के बाजार में आप गिरावट पर खरीदारी करके चलिए, आने वाले समय में एंगल गार्टर चैनल के भाव में आप, पाइप के भाव में आप और भी बढ़त आती हुई दिखाई देके आपको चल सकती है। अगर आपको किसी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो ए बी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, फ्री सर्विस नहीं है। पेड सर्विस के लिए आप एंड्रॉयड ए बी लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।